हम आज आपको लाए हैं उस सेलिब्रिटी से मिलाने जिसे आप अपने बहुत सारे फेमस शोज में देख चुके हैं, जैसे कि लव ने मिला दी जोड़ी, ये प्यार ना होगा कम, दिल से दिया वचन और लेटेस्ट में ब्याह हमारी बहू का। जी हाँ, आपका गेस बिल्कुल करेक्ट है, हम गौरव खन्ना की बात कर रहे हैं। हम आज लाए हैं आपको गौरव खन्ना से मिलवाने उनके नए घर में, तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। हाँ जी, हम इंडिया फोरम से गौरव, पहचाना नहीं? इंडिया फोरम्स नाम सुना है। हाँ, इंडिया फोरम्स मैं टीवी क्या करता था। करेक्ट करेक्ट, आइए आइए आप लोग। आई, अरे लेकिन आप लोग सबका अंदर अंदर कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं, प्लीज कहाँ? आपने इनवाइट किया था, भूल गए गौरव? हाँ, मैंने अपने घर पे इनवाइट किया था, आप तो यहाँ किसी सेट पे आ गए हैं। ये मेरा घर थोड़ी ना है। ये आपका ही घर है, आपने हमें इसी जगह पे बुलाया था, यही एड्रेस दिया था। क्या करूँ, ये जो रही है ना, मेरी याददाश्त जा रही है। खड़े क्यों आप लोग, प्लीज बैठिए प्लीज। इंडिया फोरम याद आ गया मेरे को, सब याद आ गया मुझे, सन 88 का वो मैच भी याद है जब मैंने 3 गोल मारे थे। बैठिए बैठिए, अब तो आपको पता चल ही गया है कि ये मेरा घर है, तो बताइए मैं क्या पेश कर सकता हूँ आपके लिए। गौरव, आपके फैंस आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको कांटेक्ट किया जाए और उनकी इच्छा पूरी की जाए, इसीलिए हम आज यहाँ आ गए हैं। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं मजाक कर रहा था बाहर कि इंडिया फोरम्स को नहीं जानता। इनफैक्ट इंडिया फोरम्स ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी तक, मेरे टीवी शो खत्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, पर मैं जाता रहता हूँ इंडिया फोरम्स की साइट पे और देखता रहता हूँ कि मेरे जो बाकी दोस्त हैं कैसा काम कर रहे हैं, आप लोगों को उनका काम कैसा लग रहा है। सो आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज प्लेइंग, क्योंकि तो मैं चाहता था कि थोड़ा इंटरैक्टिव हो, थोड़ा फनी एक ओपनिंग हो, सो इसलिए मैंने ऐसा कहा। एंड यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम टू माई हाउस, एंड मुझे लगता है ये घर आप ही लोगों की वजह से है, आप लोगों के प्यार की वजह से है। तो गौरव, आप ये नया घर अपने दर्शकों को नहीं दिखाना चाहेंगे, अपने फैंस को नहीं दिखाना चाहेंगे जो इतने बेताब है आपका नया घर देखने के लिए? मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आती कि मेरे कौन है फैंस, मुझे तो ये नहीं पता है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके काम को लोग पसंद करते हैं, उनके फैंस होते हैं, और मैं हमेशा इसी बात को मेंटेन करता हूँ कि मेरे कोई फैंस नहीं है, बट दे आर पीपल हु अप्रिशिएट माई वर्क। तो अब घर पर तो मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं कि मैं उनको दिखाऊँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि एक बैचलर का अनटाइडी हाउस देखना, तो मैं दिखा सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। गौरव, आपको ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपके फैंस नहीं है, आप इंडिया फोरम्स की वेबसाइट चेक कीजिए, आपको बहुत सारे फैंस मिलेंगे आपके, जो आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे और उसी रिक्वेस्ट पे हम आज यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, वो आपने ये बोला, मुझे लगा आप कह रही हैं आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप बैचलर हैं, मैं डर गया था एक सेकेंड के लिए। जहाँ तक फैंस की बात है, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ कि आई कीप रीडिंग व्हाट दे राइट, एंड मेरे को हमेशा ये लगता है, आई फाइंड इट टफ टू से दैट दे आर माई फैंस, बिकॉज फैंस कहने के लेवल पे आई हैव नॉट रीच्ड येट, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव दैट देर आर आर्टिस्ट एंड देर एक्टर्स हु हैव रीच दैट पेडेस्टल वेयर दे कैन कॉल पीपल देयर फैंस। मैं तो टीवी करता हूँ एंड टीवी इज़ लाइक अ जॉब, एंड वो भी थोड़ी बहुत मिलती है आजकल, काम तो ज़्यादा मिलता नहीं है। सो आई थिंक दे आर पीपल हु अप्रिशिएट माई वर्क, सो आई नो दे आर लॉट मैनी पीपल हु डू दैट। तो फैंस का वर्ड बोलने की बजाय उनको मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे अक्सर फ्रेंड्स भी होते हैं जो उनको मेरा काम अच्छा लगता है, कहीं उनको नहीं लगता है। तो आई होप कि आपको मेरा आने वाला काम जब कभी भी मिलेगा अच्छा लगेगा। सो अनटिल देन मैं आपको अपने बैचलर पैड की एक जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया, साइट सीइंग तो नहीं बोलूँगा। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि जब आप टीवी नहीं कर रहे होते आप क्या कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ सोफे बैठा होता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ। आजकल आईपीएल का सीज़न है तो आईपीएल देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, और क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि आई एम दी ओनली सिंगल गाय ऑन टेलीविजन राइट नाउ, सो आई कैन ईजली प्रोक्लेम कि ये मेरा बैचलर पैड है जहाँ पे सारे मेरे दोस्त आते हैं और कभी भी आते हैं और कुछ भी करते हैं। कई बार तो मैं नहीं भी होता तो मुझे शौक लगता है घर आके, अबे ये कब आया, तो ऐसा भी होता है कई बार, तो उन लोगों से बचा फिरा के जितना घर मैं साफ रख सकता हूँ उतना रखता हूँ। तो चलिए बातें कम करते हैं, आपको दिखाते हैं, आइए आइए मैं आपको अपना हॉल दिखाता हूँ, जिसकी थोड़ी भनक आपको मेरे पहले इंटरव्यूज़ में भी लग गई होगी और आइडिया लग गया होगा। बॉम्बे है, बहुत बड़े घर नहीं है, तो मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि बाकी दरवाजे खुलूँगा तो घर ख़त्म हो जाता है। आइए, ये मेरा छोटा सा हॉल है, एंड यहाँ पे मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ मज़ा करता हूँ, टीवी देखता हूँ, मेरा टीवी देखने का बहुत शौक है, तो ये मेरा पूरा सिस्टम है, होम थिएटर सिस्टम है मेरा, हाई एंड वर्जन। एंड मेरी बालकनी है इधर, जो बॉम्बे में बहुत कम देखने को मिलती है,
वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई बॉट दिस प्लेस वाज क्योंकि यहाँ पे जो बैल्कनीज हैं वो बहुत अच्छी हैं कंपैरेटिवली, और यहाँ से पूरा बॉम्बे दिखता है। अभी क्योंकि रात है इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मॉर्निंग में सनराइज़ होता है और बॉम्बे में पहाड़ जो हैं वो भी दिखते हैं यहाँ सामने, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार मेरे किसी शो में भी पहाड़ दिखा दिए थे। बुक्स पढ़ने की अच्छी आदत मेरे को नहीं है क्योंकि मुझे लगता है मैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये मेरी डाइनिंग टेबल है जहाँ पे हम लोग, एक्चुअली ये कहने के लिए डाइनिंग टेबल है क्योंकि डाइनिंग टेबल में बॉम्बे में कोई बैठ के खाना खाता नहीं है, एंड ये सिर्फ जब मेरे मॉम डैड आते हैं तो हमको थोड़ा और डिसिप्लिन होना पड़ता है, तो मैट वैट रख के एंड वी हैव टू ईट प्रॉपरली, तो ये उस चक्कर में। ये आप देख रहे होंगे एक बहुत ही मतलब ड्रॉ नहीं, पूरी चीज़ आपको देख के कुछ याद आएगा कि ये सब क्या है। मैंने बनवा तो लिया है बट आई डोंट रिलिश ड्रिंकिंग मच, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ गुड होस्ट एंड आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वेयर पीपल लव टू कम टू दिस सेक्शन ऑफ द हाउस, सो ये मेरे दोस्तों के लिए है और बस ऐसे ही। मैं तो इसमें बूस्ट ऑफ बॉनविटा रखता हूँ, मैं ज़्यादा आई डोंट टेक ऑल दैट। वो मेरी छोटी सी घड़ी है जिसकी वजह से मैं कभी शूट पे लेट नहीं होता। और ये जो दीवार है ना, ये मैंने बहुत कोशिश की पर इसका कलर ऐसे ही था। मैंने कोशिश की कि इसको वाइट कर दूँ, लेकिन पता नहीं मेरे लक में थी कि ये दीवार ऐसी कि ऐसी मुझे मिल गई और मैंने चेंज नहीं की। एक्चुअली ये वॉलपेपर है 3D वॉलपेपर जो मैंने बहुत ढूंढ के लगाया बिकॉज आई लाइक दैट। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मुझे खाने का बहुत शौक है, मैं नॉर्थ से हूँ तो बिना खाए मैं रह नहीं सकता। तो ये मेरा किचन है जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स लव द फूड। काफ़ी लोग जो मेरे, जिनको मैं बोलूँगा मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में मेरे मैन फ्राइडे को मिले होंगे, जिसका नाम दिलीप है, वो छुप गया है शर्मा के। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं बॉम्बे में हूँ, बिकॉज खाना बहुत अच्छा बनाता है और मम्मी ने काफ़ी अच्छा खाना इसको सिखाया है, तो इसलिए मेरे को बड़ा एट होम फील होता है। मैं बचपन से, मुझे लोग कहते थे कि बातें बहुत बनाता है, लेकिन यहाँ आके मैंने थोड़ी खाना भी बनाना सीख लिया। ये मेरा सेकेंड बेडरूम है घर का, जो मेरा गेस्ट रूम टाइप है। अंदर आ सकते हैं आप लोग, कोई नहीं अंदर। तो ये एक रूम है जहाँ पे अक्सर जब मॉम डैड आते हैं तो उन लोगों के लिए हो जाता है। आप इधर आके देखेंगे तो यहाँ भी एक बैल्कनी है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। दिस इज़ अ बिगर बैल्कनी, आप किसी भी साइड नज़र घुमाइए आपको बॉम्बे की पूरा लैंडस्केपिंग दिखती है और पूरा सिटी लाइफ दिखती है। Hi, this is Gurmeet Chaudhary. Keep watching India Forums. Subscribe to WhatsApp TV.